सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको जॉब एनालिसिस का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा। जॉब एनालिसिस दो वर्ड है, सबसे पहले है जॉब, फिर एनालिसिस। जॉब का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर काम के करने को हम जॉब कहते हैं, काम, नौकरी, जॉब। एनालिसिस का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में आप डाटा इकट्ठा करते हैं, किसी चीज़ के बारे में आप डिटेल में इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं और उसको डीपली ऑब्जर्व करते हैं कि ये काम क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किस तरह हो रहा है, किस वजह से हो रहा है, इसको हम एनालिसिस बोलते हैं। अभी जॉब एनालिसिस का सिंपल वर्ड में आपको मतलब बताऊं तो ये है, इसमें क्या करते हैं हम, एक जॉब है ना जो हमारी, एक जो हमारा काम है, उसके ऊपर जो बंदा फिट आ रहा है, जो बंदा वो काम कर सकता है, उसको उसके ऊपर लगा देते हैं, इसको हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। इस प्रोसेस को अभी डिटेल में आपको बताता हूँ। अभी ये देखें, अगर हमने कोई भी पर्सन किसी भी काम पे लगाना है तो उससे पहले जॉब एनालिसिस में क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा काम क्या है। हम अपने काम के बारे में डाटा इकट्ठा करते हैं। फॉर एग्जांपल एक मशीन को ऑपरेट करना है तो सबसे पहले देखेंगे कि मशीन को किस तरह का बंदे की ज़रूरत है। मशीन को स्किल पर्सन चाहिए या अनस्किल चाहिए, उसको ट्रेन पर्सन चाहिए या अनट्रेन चाहिए, मशीन को किस तरह की इंजीनियर की ज़रूरत है। तो इस तरह की सबसे पहले अपने जॉब के बारे में डाटा इकट्ठा करेंगे, ताकि हमें जॉब के बारे में डाटा पता होगा तो फिर हम स्किल पर्सन, हम उसको कंपैरिजन करके उस बंदे को जो उसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, जिसके कनेक्ट हो रहा है उस जॉब के साथ, उसको फिर उस जॉब पे लगा देंगे। सबसे पहले हमने डाटा इकट्ठा किया। अभी ये देखें, अभी एक लेबर है, अभी लेबर को मैनेजर तो नहीं ना लगा देंगे। मैनेजर के लिए हमें क्या पता है, हमें पता होना चाहिए कि मैनेजर के पास कौन सी स्किल होती है, उसके पास क्वालिफिकेशन क्या होती है, उसके पास कौन सी टेक्निक्स होती हैं जो वो इस्तेमाल करता है। अभी लेबर जो है वो टेक्निक्स के ऊपर पूरा नहीं आ रहा, उसको हम मैनेजर लगा देंगे, ये गलत है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि मैनेजर का काम क्या होता है, फिर उसका काम देख के हम 5-10 बंदों का इंटरव्यू करेंगे या अपनी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखेंगे, अगर कोई इस तरह का आदमी है जो मैनेजर का रोल प्ले कर सकता है, उसको मैनेजर के ऊपर ला के खड़ा कर देंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि मैनेजर का काम क्या है, मैनेजर का क्या रोल होता है, क्या टेक्निक्स होती हैं, किस तरह वो लोगों को मैनेज करता है, इसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करेंगे। फिर इस नॉलेज को माइंड में रखते हुए हम बंदों का इंटरव्यू करेंगे, बंदों का इंटरव्यू टेस्ट करेंगे कि वो उनकी क्वालिफिकेशन देखेंगे, उनको देखेंगे डिटेल में कि उनके पास ये क्वालिफिकेशन, जो ये क्राइटेरिया है, जो जिस चीज़ की, जिस जॉब की हमें ज़रूरत है, जिसके ऊपर पूरा आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो उनकी जो ड्यूटीज़ हैं, उनको उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनकी जो स्पेसिफिकेशन स्किल्स हैं, उसके मुताबिक उनको काम पे लगाएंगे। अभी आपको मैंने आगे एग्जांपल दिया है। अभी मार्केटिंग वाले बंदे को हम प्रोडक्शन का मैनेजर तो नहीं ना बना देंगे, मार्केटिंग का मैनेजर जो है उसको प्रोडक्शन का तो नहीं ना बना देंगे। अभी जो सेल्स डिपार्टमेंट का मैनेजर है उसको हम सीईओ तो नहीं ना बना देंगे, कंपनी का हेड तो नहीं ना बना देंगे, कोई डायरेक्टर तो नहीं ना बना देंगे। हम उनकी क्वालिफिकेशन को देखेंगे, उनके स्किल्स को देखेंगे, उसके मुताबिक उनको जॉब पे लगाएंगे, उनको उनकी पर्टिकुलर जॉब देंगे, उनकी ड्यूटीज़ बताएंगे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताएंगे। जो बंदा, ये वर्ड यूज़ होता है ना, राइट टाइम राइट पर्सन एट अ राइट जॉब, मतलब सही वक्त के ऊपर सही बंदे को और उसकी सही जॉब के ऊपर लगाएंगे, इसको हम जॉब एनालिसिस बोलते हैं। जो बिल्कुल फिट आ रहा है, जो बेस्ट है उस जॉब के लिए, जो एम्प्लॉय उस जॉब के लिए बेस्ट है, उसको लगाएंगे। आई होप आपको इसका बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।